हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने चैप्टर टू की एक्सरसाइजेस पे हम चल रहे थे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड थी हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, होप कि आप सब लोगों ने इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया है तो आप मुझे फिर से बताइएगा, मैं इसको फिर से आपको भेज दूँगी। अब है हमारा थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, ये हेल्प बॉक्स है, इससे आपको अपने इसमें वर्ड्स में फिल करना है सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब है हमारा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी हमने कर लिया था। ठीक है, पर मैंने कहा था कि आप जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से लिखिएगा और जो भी आपके आंसर्स हैं उसको ब्लू पेन से लिखिएगा। बट ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें जो फिल करेंगे उसको ब्लैक से लिखिएगा, तो वो थोड़ा सा अलग से नज़र आएगा एंड ऑल्सो इट लुक नाइस। ओके, सो हेयर योर एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 मैच द फॉलोइंग। ये इसमें मैच द फॉलोइंग 1, 2, 3 और मैंने सही मैच ही लिखा है उसके आगे। ठीक है, तो इसको आप लोग इसी तरह लिखिएगा, मैच द फॉलोइंग है आप लोगों की। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फुल फॉर्म्स पे। राइट द फुल फॉर्म्स, जो भी चैप्टर टू में आपके फुल फॉर्म्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम्स में टेस्ट में मैं ज़रूर पूछती हूँ। ठीक है, तो फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड फर्स्ट है आपका रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सेकेंड है आपका सीपीयू, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई थिंक आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा है तो आप देख लीजिए, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। थर्ड है आपका MIPS, MIPS इसका फुल फॉर्म क्या है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फोर्थ है हमारा ALU, ALU का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बट इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अर्थमेटिक को बहुत बच्चे AIR लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द राइट स्पेलिंग, ARITHMATIC। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिफ्थ है हमारा CU, CU का क्या फुल फॉर्म है, कंट्रोल यूनिट, बहुत इजी है। सिक्स है हमारा MU, MU का फुल फॉर्म क्या है हमारा, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये आपके 6 फुल फॉर्म्स हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करिएगा जिससे कि आपको आगे इजी रहे। है आपका रीअरेंजिंग द वर्ड्स। रीअरेंजिंग वर्ड्स में ये एक एक्सरसाइज है आपकी, जिसमें आपको जो वर्ड्स होते हैं उनको इधर उधर करके लिख दिया जाता है और उसको एक सही सेंटेंस आपको बनाना होगा। ठीक है, कंप्यूटर के वर्ड से रिलेटेड और कोई सेंटेंस नहीं। जैसे ये मैंने सेंटेंस लिखा ऐसे, तो ये सेंटेंस पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है, TBAODMOESRR कुछ आ रहा है, बट इसको आप ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान लगाइए तो इसके अंदर एक आपका प्रॉपर वर्ड छुपा हुआ है, कौन सा, मदरबोर्ड। ठीक है, अब है हमारा ये वर्ड है, सेकंड वर्ड है, इसका क्या है, मेमोरी चिप। ओके, फिर है हमारा RNPTIRE, थर्ड वर्ड है, तो इसका क्या होगा सही वर्ड, प्रिंटर।
ठीक है। अब है हमारा फोर्थ आर एच डी ए आई के डी एस, इसका क्या है हमारा हार्ड वर्ड हार्ड डिस्क, सही वर्ड। अब ये है हमारा ई बी डब्ल्यू एम ए सी, इसका क्या वर्ड है हमारा वेब कैम। तो ये एक्सरसाइजेस मैं एग्ज़ाम्स में दूंगी, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत एक दिमागी कैलकुलेशन है।